नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस भाग में दोस्तों, ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है, इसमें एरिक मेढ़स नाम के लड़के को उसके माँ ने, उसके मतलब एरिक मेढ़स इसने सुसाइड किया था, और उसके बाद उसके माँ ने एक ऑटोमेटिक राइटर के ज़रिए उससे संपर्क किया अपने बेटे के सोल से, और उसमें उसने अपने बेटे की आत्मा को जो भी सवाल पूछे हैं उसको हम देख रहे हैं। दोस्तों, आज के इस भाग में दोस्तों, एरिक की माँ ने उसको आत्मलोक में जो ग्रंथालय होता है, जिस तरीके से जीवन की हमारी समीक्षा करती है आत्माएं, तो उसके बारे में उसने एरिक को सवाल पूछे थे। उसके बारे में एरिक ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है। उसने ये कहा है कि हाँ, ऐसे ग्रंथालय, इस तरीके से एक वाचना कक्ष आत्मलोक में होता है। हर एक आत्मा के लिए एक अलग विशिष्ट उसका वाचना कक्ष होता है, और ये जो कक्ष है, एरिक ये कहता है कि वाचनालय, ग्रंथालय या फिर लाइब्रेरी, ऐसे जब हम शब्द सुनते हैं तब हमारे सामने एक लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी का चित्र आ जाता है, जहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी है। लेकिन एरिक यह कहता है कि आत्मलोक का जो ग्रंथालय होता है वो इस तरीके से नहीं होता, वो विशिष्ट मतलब उस आत्मा के लिए ही विशिष्ट होता है। उसने ये कहा है कि वो इस तरीके से कुछ आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर एक शांति से बैठने के लिए जगह होगी, और उसके बाद आप किसी भी मतलब वहाँ पर जो किताब होंगी वो हमारी एक ही किताब होगी कहीं ना कहीं, और उस किताब में भी दोस्तों वो एक ऊर्जा की ही किताब है, इसलिए उनको वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा किताबें रखने की ज़रूरत नहीं होती। एरिक यह कहता है कि समझो वहाँ पर हम गए और वहाँ पर हमारी जो समीक्षा की हुई, हमारे जीवन की किताब होगी, उसमें हमें जो भी मतलब पढ़ना इम्पोर्टेंट है और जो भी हमें अभी पढ़ने की इच्छा है, इन दो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, और उसके बाद वो जो भी मतलब चीज़ें देखेगा, जो भी किताब पढ़ेगा, उसमें उसको उस तरीके से ज्ञान मिल जाएगा। उस लाइब्रेरी में हमारी जो जीवन की किताब होगी दोस्तों, उसमें हमारे जीवन में मतलब हमारे आत्मा के जीवन में हमने कितने जन्म लिए हैं पृथ्वी पर, जो भी हमने अच्छे या फिर बुरे कर्म किए हैं, इन सारी चीज़ों की समीक्षा आत्माएं वहां पर करती है। इस लाइब्रेरी के बारे में दोस्तों और भी मुझे जो बातें पता चली थी वो इस तरीके से थी कि समझो हमारी कोई एकदम करीबी आत्माएं वहाँ पर हमारे साथ उस लाइब्रेरी में आ गई, और हमारे जीवन के कक्ष में जिस तरीके से जीवन की हमारी सारी बातें उस किताबों में समझो लिखी है, तो ऐसे समय में हमारी कितनी भी करीबी आत्माएं हो, उस जीवन के मतलब कुछ ऐसे पल जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, समझो जैसे हमारा कोई एक करीबी दोस्त है, उसको हमारे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी बातें होती है जो हमारे दोस्त को हमने नहीं बताई होती, क्योंकि हमें वो सारी जो चीज़ें होती है वो हम तक ही सीमित रखनी होती है। तो आत्मा के साथ भी ऐसा बहुत बार देखा गया है, आत्मा के साथ ये देखा गया है कि जैसे उस आत्मा की अगर इच्छा ना हो, उसकी किसी भी करीबी मतलब कितना भी कोई करीबी हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो वो बहुत ही ज़्यादा अपने तक ही सीमित रखना चाहे, तो ऐसे वक्त में उसका सम्मान किया जाएगा, और कोई कितना भी उसका करीबी आत्मा हो, वो उसको उस तक ज़्यादातर नहीं पहुँच पाती वो सारी बातें। लेकिन ये देखा गया है कि जैसे हमारी मार्गदर्शक जो आत्मा होती है दोस्तों, उसको ज़्यादातर हमारी सारी बातें पता होती है, तो यहाँ पर कुछ लोगों को यह भी लग सकता है कि अगर कुछ बातें हम मार्गदर्शक आत्मा से छुपाए या फिर उसको बताना ना चाहे, तो मतलब ये हो सकता है क्या पॉसिबल, तो ये भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन ज़्यादातर जो आत्माएं हैं वो मार्गदर्शक आत्माओं को सारी बातें मतलब बताते ही है या फिर उनको पता ही होती है। ये सारी बातें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मार्गदर्शक आत्मा होती है दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी दी गई है, और अगर हमारी जिम्मेदारी मतलब हमारे आत्मा का उद्धार किस तरीके से हो, वो सारी चीज़ें अगर उनको समझो काम दिया है, तो ऐसे में हमारे बारे में सब कुछ उनको ज्ञान होना, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे अंदर जो गुण है, जो दोष है, इसके बारे में उसको पूरी अगर जानकारी नहीं होगी, वो किस तरीके से हमें मार्गदर्शन करेगी, तो इसलिए ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होती है। लेकिन ऐसी बातें जो हमें किसी को भी नहीं कहना, वो अगर हम तक ही हम सीमित रहना चाहते हो, तो ऐसे वक्त में भी उस आत्मा का ज़रूर सम्मान किया जाता है दोस्तों। तो आज के भाग में हमने ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जानी। तो दोस्तों, इसके अगले भाग में एरिक की माँ ने उसको जो भी और भी सवाल पूछे थे, और उसने किस तरीके से उसका जवाब दिया, और उससे हम क्या सीख सकते हैं, इन सारी बातों को हम ज़रूर दोस्तों कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेजी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे WhatsApp मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।